आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। निगम मंडलों में नियुक्तियों के नामों पर लगेगी अंतिम मोहर। राजधानी भोपाल को स्मार्ट बनाने के लिए आज विंटो हॉल में बैठक। देश के नामी बिल्डर्स और बिजनेसमैन से चर्चा करेंगे स्मार्ट सिटी के सीईओ। दो दिन पहले सीएम शिवराज राजधानी के विकास पर ले चुके हैं बैठक। केंद्र के कृषि बिल के खिलाफ किसानों के आंदोलन का सातवां दिन। मंगलवार को बेनतीजा रही सरकार के साथ बैठक। 3 दिसंबर को फिर होगी मुलाकात। एमपी में जारी है एंटी माफिया अभियान। इंदौर के खजराना में नामी बदमाशों के अवैध ठिकानों पर चला निगम का पंजा। 5 जगहों पर हुई कार्रवाई। बीजापुर में दर्दनाक सड़क हादसा। दही कोंगा के पास हाईवे पर दो वाहनों में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में पति पत्नी और दो बच्चों की मौत। शहडोल जिला अस्पताल में जारी है बच्चों की मौत का सिलसिला। पिछले 72 घंटे में 8 बच्चों ने तोड़ा दम। 2 की हालत गंभीर। बड़ा सवाल, आखिर क्या कर रही है सरकार। छत्तीसगढ़ में जारी है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 28 मरीजों ने तोड़ा दम। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 2,39,000 के पार। ग्वालियर में हाईवे पर ट्रक में लगी आग। चालक और क्लीनर की बाल बाल बची जान। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। हाईवे पर लगा लंबा जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ बुशा। बीजापुर से बड़ी खबर की सबसे पहले बात कर रहे हैं। दरअसल बीजापुर में एनएच पर दर्दनाक हादसा हुआ और सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। देर रात बीजापुर से रायपुर जाते वक्त यह हादसा हुआ। कोंडा गांव के पास दही कोंगा में 2 वाहनों की भिड़ंत हुई। मौके पर ही पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई। बीजापुर जिले के बोरजे के रहने वाले काबरे पेंटा का परिवार बताया जा रहा है। कोतापाल में शिक्षक के पद पर पदस्थ थे। मृतक बोरजे गांव पे सन्नाटा पसर गया। शवों को लाने की तैयारी हो रही है। जसपुर कलेक्टर महादेव काबरे के रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। तो वाहन को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बुरी तरीके से भिड़ंत हुई होगी। पूरी तरीके से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें मौजूद सवार पति पत्नी और बच्ची की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संस्था पवन दुर्गम फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पवन, हादसा कैसे हुआ? जी आपको बता दूं, ये पूरा परिवार जो है रायपुर इलाज के लिए गया हुआ था। वहां से लौट रहा था, जहां कोंडा गांव के पास में जो दही कोंगा है वहां पे जो 2 वाहनों में भिड़ंत हो गई है। वाहन में कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें से एक जो है उसकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। वहीं एक ही परिवार के जो 4 लोग हैं उनकी मौत हो गई, जिसमें 2 बेटे हैं, पति पत्नी 2 हैं। दरअसल वो रहने वाले यहाँ बोरजे के हैं, जो कोतापाल में शिक्षक के पद पर पदस्थ थे। उनकी मौत से जो गांव में है वो मातम पसरा हुआ है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उनका जो पीएम है वो कोंडा गांव में करने की सूचना मिल रही है, जिसके बाद शव को यहाँ पर उनके गृहग्राम लाया जाएगा, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पवन। एक और बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। राजधानी में फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। पुरानी बस्ती के अश्विनी नगर में एक युवक ने अपने ही दोस्त को चाकू मारा। घायल दोस्त गंभीर हालत में मैकहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुरानी बस्ती थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो राजधानी में फिर से चाकूबाजी की घटना हुई। पुरानी बस्ती के अश्विनी नगर में दोस्त ने ही चाकू मारा। घायल दोस्त गंभीर हालत में मैकहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले कुछ दिनों की अगर बात कर ली जाए, राजधानी में कई सारी चाकूबाजी की घटना सामने आ चुकी है। बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों इतनी सारी ये घटनाएं बढ़ रही हैं और पुलिस प्रशासन इस पर मौन क्यों बैठा है।
वहीं मंगलवार को रायपुर से चाकूबाजी की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां नशे में धुत आरोपी जावेद ने एक नाबालिग पर बेरहमी से चाकू से वार किए हैं, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इस पूरी घटना को आरोपी का साथी जुबैर और अन्य लोग वीडियो बनाते रहे। बोरिया खुर्द के आरडीए कॉलोनी में रविवार रात हत्या की ये वीडियो जो वायरल हुई थी, हालांकि पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच भी कर रही है। मुंगेली जिले के जिला पटवारी संघ ने 9 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। वहीं 2 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक जिले के सभी पटवारी काली पट्टी बांध कर काम करेंगे। मांग पूरी नहीं होने पर 14 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की चेतावनी ये दे रहे हैं। पटवारियों का कहना है कि पिछले 2 सालों से 9 सूत्री मांगे सरकार के सामने रखते आ रहे हैं, जिस पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए उन्हें आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। और इधर पटवारियों की हड़ताल को लेकर प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि अभी धान खरीदी का कार्य सरकार की प्राथमिकता में है, इसमें पटवारियों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे समय में हड़ताल पर चले जाने से कार्य प्रभावित जरूर होगा। हम लोगों की प्रांत स्तरीय 9 सूत्री मांग है, जो पिछले 2 सालों से हम जो है शासन को देके रखे हैं, लेकिन राज्य स्तर पर उन मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए प्रांत के निर्णय के अनुसार सभी छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में हम लोग एक दूसरी धरना प्रदर्शन रखे हैं आज के, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से दिल्ली दौरे पर जाएंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली दौरे के दौरान प्रदेश में निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा हो सकती है। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भूपेश दुर्ग भिलाई के विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे, साथ ही जशपुर के अंग्रेजी स्कूल का निरीक्षण करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग और भिलाई में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम भूपेश भिलाई के आईआईटी में ब्रिक लेइंग समारोह में हिस्सा लेंगे और दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम के पीछे लोक कला मार्ग का लोकार्पण भी करेंगे। इसी के साथ ही सीएम पीडब्ल्यूडी कार्यालय और आदिम जाति विकास प्राधिकरण कार्यालय भवन का लोकार्पण भी करेंगे। भिलाई के नेहरू नगर अंडर ब्रिज का लोकार्पण और बापू नगर तालाब के सौंदर्यकरण कार्यक्रम में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। नवनियुक्त मुख्य सचिव अमिताभ जैन रायपुर में आज अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक में सीएस योजनाओं की समीक्षा करेंगे और इसीलिए अधिकारियों को योजनाओं की पूरी जानकारी के साथ साथ बैठक में आने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें भी मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर फोकस होगा और प्रदेश में संचालित होने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन और वास्तविक स्थिति के संबंध में सचिवों से जानकारी ली जाएगी। नरवा गरवा घुरवा बारी, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना, गोबर खरीदी, सीएम हाट बाजार क्लिनिक, जल जीवन मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं का मुख्य सचिव आकलन करेंगे। वहीं विकासखंड पथरिया के 31 धान खरीदी केंद्रों में 21,424 पंजीकृत किसानों से 10,80,121 कुंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जहां पर कल से धान खरीदी शुरू हो गई है। इसके अलावा नए खुले जुनवानी धान खरीदी केंद्रों के चालू हो जाने से पहले ही विवाद देखने को मिल गया। जुनवानी में खरीदी केंद्र के लिए स्थायी जगह नहीं होने के कारण अस्थायी तौर पर कॉलेज मिनी स्टेडियम पर धान खरीदी केंद्र शुरू किया गया। खिलाड़ियों सहित स्कूली बच्चों ने अपने खेल में बाधा उत्पन्न होने को लेकर केंद्र का विरोध किया। नए केंद्र से जुनवानी, दलपुरवा, जरेली, पैटुलकापा, डाका, चाका, अमलडीहा और कैवैया के 7 गांव के कृषकों में उत्साह देखने को मिला है। केंद्र का विधिवत शुभारंभ क्षेत्र के विधायक और नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा धर्मलाल कौशिक ने किया।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 28 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है और राज्य में एक दिन में 1893 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर में 24 घंटे में 242 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, वहीं कोरबा में 239 और बालोद में 144 नए संक्रमित मरीज मिले। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,39,000 के पार पहुंच गया, वहीं राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 19,333 पर पहुंच गई है। महासमुंद में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कलम रख मशाल उठा आंदोलन का शंखनाद किया है। आंदोलन के प्रथम चरण में सैकड़ों कर्मचारियों ने मशाल रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा और अपना दमखम दिखाया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मशाल रैली कलेक्ट्रेट पहुंची। आगे के चरणों में आंदोलनकारी की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। मांग पूरा नहीं होने पर दूसरे चरण में 11 दिसंबर को कर्मचारी अपने जिलों में धरना देंगे और वादा निभाओ रैली निकालकर हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन के प्रथम चरण में मशाल रैली के रूप में आंदोलन किया गया है। इसके बावजूद यदि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी दूसरे चरण पर 11 दिसंबर को स्वाभिमान रैली के रूप में जिला प्रत्येक जिला 28 जिला मुख्यालय में विशाल संख्या में अधिकारी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन होगा और शासन के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। मुंगेली में 14 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम मुंगेली कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। फेडरेशन के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर पूरे प्रदेश सहित मुंगेली जिले में आंदोलन हो रहा है। फेडरेशन से संबंध सभी मान्यता प्राप्त संगठनों ने जुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में मशाल रैली निकाली। मशाल का प्रतीक और सूखी दिया बाकी हाथ में लेकर सभी कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और 11 दिसंबर को जिला स्तर और 19 दिसंबर को राज्य स्तर आंदोलन किया जाएगा। धमतरी में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 3 चरणों में 1 दिसंबर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पहले दिन संगठन के पदाधिकारियों ने जनपद पंचायत से कलेक्ट्रेट तक मशाल जुलूस निकालकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और इसी तरह 11 दिसंबर और 19 दिसंबर 2020 को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, सेवा से पृथक अनियमित कर्मचारियों को बहाल करने और 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान देने सहित कई मांगों को लेकर वे आंदोलनरत हैं। प्रतिशत महंगाई भत्ता और 9% महंगाई भत्ता स्वीकृति आदेश का मांग किए हैं। छत्तीसगढ़ वेतन संरक्षण नियम 1917 के बकाये एरिया जो 4 किस्तों में भुगतान करना था। बिलासपुर में कर्मचारी अधिकारी संघ ने महंगाई भत्ता और एरियर्स पदोन्नति प्रमोशन पेंशन की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला। साथ ही कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संघ ने बुझे हुए दीपक कलेक्टर कार्यालय में रखकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इन सभी जो मांग है हमारे 14 सूत्री मांग उसको तत्काल रिलीज करें, इसके लिए हमने 3 चरणों में आंदोलन का शंखनाद किए हैं। इसमें आज पहले चरण में आज हम लोगों ने मशाल और मतलब की बुझा हुआ दीपक लेकर आज कलेक्ट्रेट में आए थे और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। बालोद के डोंडी में 4 साल पहले स्वीकृत हुआ केंद्रीय विद्यालय अब विवादों में घिर गया है। स्कूल खोले जाने को लेकर प्रशासन अब तक जगह की तलाश नहीं कर पाई है और स्कूल खोले जाने की लेट लतीफी को लेकर कांकेर के सांसद मोहन मंडावी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं। सांसद मंडावी का कहना है कि उनका काम योजना लाना था, लेकिन अब प्रशासन को सर्व सुविधा युक्त स्थान का चयन कर
केंद्रीय स्कूल बनाना चाहिए। मामले में कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया का कहना है कि अभी केंद्रीय विद्यालय को लेकर सर्वे ही ठीक से नहीं हुआ है। जिला प्रशासन जो स्थल चयन करेगी वही केंद्रीय विद्यालय बनेगा। देखो, हमारा काम है केंद्र से योजना लाना और यहाँ जिला प्रशासन का काम है कहाँ जगह है चयनित करके बनाना, और अब तक के शुरू हो जाना चाहिए था, हमारे लोगों को शिक्षा मिलता, जितना जल्दी बन जाए हम चाहते हैं। लेकिन इसको कांग्रेस वाले कुछ गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बनाने में हीला हवाली कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब तक के बन जाना चाहिए था। कुछ नहीं है, अभी तो सर्वे ठीक से हुआ नहीं है, केंद्रीय विद्यालय आया है अभी, अब वो केंद्र का योजना है, उन लोग सर्वे करेंगे किस जगह में होना है, बालक जिला में होना है, वहाँ पे उन लोग सुनिश्चित स्थान ऐसा देखेंगे वही होगा, इसमें हम सबकी कोई हस्तक्षेप नहीं है। बालोद की डोंडी में अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर रोजगार सहायकों ने धरना दिया और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव के नाम ज्ञापन सौंपा। रोजगार सहायकों ने जनपद पंचायत कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की है कि रोजगार सहायकों को सचिव पद वरीयता के आधार पर सीधी भर्ती कराई जाए। आपको ज्ञापन सौंपा जिसमें हमारी प्रमुख मांगे रही नियमितीकरण एवं वेतन मांग, जिसमें हमारी मानदेय है 6,000 जिससे हमारा परिवार नहीं चलता, जो कलेक्टर दर है उससे भी कम है। और दूसरी मांगे हैं नगर पंचायत बन गए है ग्राम पंचायत, उसमें से रोजगार सहायकों को वहां सम्मिलित किया जाए। खबर बिलासपुर से, जहां सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद पटवारियों ने भी अब आंख दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में पटवारी सड़क पर आ गए हैं। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों ने एक दिन से धरना दिया। धरना देकर पटवारियों ने सरकार को चेता दिया है उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता जाएगा। पदोन्नति और बिना जांच पटवारियों के खिलाफ FIR सहित कई मांगे पटवारियों की लंबित है। पटवारी संघ का कहना है कि पटवारी से अवैध काम करवाने वाले ही बदनाम करते हैं। प्रांतीय बॉडी के समर्थन में आज आए हुए हैं और आज जो है एक दिवसीय सांकेतिक धरना हम लोग बिलासपुर जिले के पटवारी जो है वो दे रहे हैं। फिर 2 तारीख से 13 तारीख तक काली पट्टी लगाकर हम लोगों के द्वारा कार्य करने का निर्णय लिया गया है। बलौदा बाजार में सलोनी गांव में धान खरीदी केंद्र खुलने से किसानों में हर्ष का माहौल है। सलोनी गांव में खोले गए खरीदी केंद्र में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है और अब यहां पर सलोनी और भाटा गांव के 328 किसान अपने धान का विक्रय कर सकेंगे। आपको बता दें कि सलोनी में धान खरीदी केंद्र खोले जाने को लेकर किसानों ने आंदोलन किया था और उस खबर को स्वराज एक्सप्रेस ने प्रमुखता से उठाया था जिसका असर हुआ और शासन ने यहां पर धान खरीदी केंद्र खोला। ग्रामीणों ने स्वराज एक्सप्रेस को धन्यवाद दिया। ये हमारा गांव सलोनी में खुली था, हम सब किसान ला अच्छा महसूस हुआ थे, जो दूरिया जाते रहे हैं देखे बार किराया भाड़ा बच गए, समय की बचत हो गए। तो सबसे पहली बात वहाँ बहुत सारे किसान रही सब जगह नाम से एक दिन दो दिन लगत रही से वो हमला वो सब चीज महसूस नहीं होती। एक्सप्रेस चैनल योग भी अपन हमारे सहयोग करे ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार से आने वाले समय में हमार काम लाओ अच्छी तरीके से करो। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फाउंडेशन ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए बलरामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांगों का निराकरण नहीं होने के कारण वे काफी आक्रोशित थे। कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। कर्मचारी भाइयों को किसी प्रकार का डीए का घोषणा हुआ माननीय मुख्यमंत्री के और कहने के बाद भी मुख्यमंत्री जी द्वारा बोला गया था कि दिवाली में आप लोग को कर्मचारियों को तोहफा देंगे, परंतु हमारी दिवाली सूखी रही तो उसी का प्रतीक दिए के रूप में हम लोग और मसाल उठा के आज माननीय मुख्यमंत्री को कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिए जिसमें 14 सूत्री मांगे हैं। मैं लिपिक समर्ग के कर्मचारियों के वेतन विसंगति का निराकरण करने के लिए और प्रदेश के कर्मचारियों में पेंशनरों को
जुलाई 19 से 5% और जनवरी 20 से 4%, कुल 9% महंगाई वेतन का मांग किया है। अम्बिकापुर राजस्व पटवारी संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पटवारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि पटवारी संघ ने 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। यदि उनकी मांगों को जल्दी पूरा नहीं किया जाता तो वे सभी 14 दिसंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ प्रांतीय आह्वान है कि हम लोगों के बहुत सारे लंबित मांगे हैं शासन के प्रति, तो उसी के विरोध में प्रांतीय आह्वान है एक दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल का। कोंडागांव के जिला मुख्यालय में वन विभाग की ओर से 4 साल पहले बनाया गया पर्यटन स्थल अब क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि डोंगरी पहाड़ी पर चारागाह को वन विभाग ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया था, लेकिन रखरखाव के अभाव में अब ये धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। विभाग की अनदेखी के चलते यहाँ जीव जंतुओं के लिए बनाए गए आशियाने भी कबाड़ में तब्दील होते जा रहे हैं। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि यहाँ वन प्रबंधक समिति की ओर से रसीद काटकर वसूली भी की जा रही है। जी ये 5 रुपया देते हैं, ये भी 3 साल हो गया, ये मतलब 5 रुपया जो शुल्क ले रहे हैं वाला, जैसे गार्डन बना तब से झूला उला लगा तब से ले रहे हैं, नहीं तो नहीं ले रहे थे। ये जैसे कि अभी नीचे साइड की खुला जगह में जैसे बाउंड्री वाल पूरा हो रहता तो कुछ सुरक्षा हो जाता, यहाँ के लोग तो रात में भी मतलब आ जाते हैं रात में। जगदलपुर में एटीएम से पैसे गायब होने की बात सामने आई है, जिसमें एसबीआई के अलग अलग एटीएम से पिछले 3 महीनों से 1.25 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। इस रकम की एंट्री मशीन में दिखाई नहीं दे रही। बैंक के अफसरों ने जब एटीएम का हिसाब किया तब गड़बड़ी का खुलासा हुआ। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। संबंधित खाते में पैसा डालने के संबंध में यह शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ है और इसमें जो है अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 420 भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट के तहत जो है अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध जो है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। रायगढ़ में छत्तीसगढ़ी फिल्म और लोक कलाकार पुष्पा बेहरा ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुष्पा बेहरा कई स्टेज प्रोग्राम और छत्तीसगढ़ी फिल्म तोर मोर लव स्टोरी में एक्टिंग कर चुकी हैं। उन्होंने अपने बयान में पारिवारिक कारणों से आत्मदाह की कोशिश की बात कही है। पुष्पा बेहरा ने बताया कि कोरोना काल में काम की कमी और आर्थिक तंगी के कारण उसने ये कदम उठाया। कई महीनों से वो आर्थिक तंगी से परेशान थी। इसमें अभी कोरोना काल में काम के अभाव के कारण वो काफी मानसिक तनाव से जूझ रही थी, तो मानसिक तनाव के कारण वो कुछ दिनों से डिप्रेशन में थी और वो पेट्रोल लेके रखी हुई थी और फिर मिट्ठूमुड़ा चौक के पास वो पेट्रोल डालकर खुद पर आग लगा ली। अगली खबर, जहां छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी के निर्देश के बाद भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। अब तक गलत गतिविधियों में शामिल 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। इसमें कवर्धा से 3, बिलासपुर से 2 और दुर्ग से पुलिस कर्मी 2 शामिल हैं। कार्रवाई को लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी का कहना है कि सभी पुलिस अधीक्षकों को भ्रष्टाचारी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक ही कर रहे हैं, मैंने सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा है और आपने पहले भी मीडिया में अखबारों में आया भी था कि जो लोग भ्रष्ट और कदाचरण से लिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाए। जो मेरे पास भी खबर आती मैं उन्हीं को भेजता हूँ, उन्हीं से करवाता हूँ। अभी आज बिलासपुर में भी 3-4 लोगों को उन्होंने निलंबित किया है। राजधानी में लगातार हो रही हत्या की वारदात के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बढ़ते अपराधों को लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि बीते 4 दिनों में रायपुर में दर्जनों चाकूधारी गिरफ्तार किए गए। आपस में बैठकर शराब पीकर हत्या करना मर्डर जरूर है, लेकिन पुलिस हर जगह खड़ी नहीं हो सकती। पुलिस ने रायपुर और दुर्ग में अभियान चलाया, कुछ दिनों का समय लगेगा लेकिन सभी अपराधी पकड़े जाएंगे। हर घटना को कहना चाकू से हत्या हुई है, लेकिन यदि 2 लोग आपस में बैठ के शराब पी रहे और एक दूसरे को चाकू मार देंगे तो ये उस क्राइम
क्राइम जरूर है, मर्डर है, लेकिन उसकी परिस्थिति में वहाँ पे पुलिस खड़ी हर जगह नहीं हो सकती। डोंगरगढ़ में हुए मानव तस्करी मामले पर अब राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने डीजीपी से जांच रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि सिर्फ एक महिला की तस्करी का मामला नहीं, इसमें निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की और भी महिलाओं का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में जांच के लिए दुर्गा आईजी ने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में अलग से एक स्पेशल टीम बनाई गई है। महिला आयोग की अध्यक्ष ने मामले की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए। यदि 5-6 अभियुक्तों का नाम आ चुका है, 5 अभियुक्त हिरासत में आ चुके हैं और अभियुक्तों की तलाश जारी है, तो ये 6-7 लोगों का यदि गिरोह है तो इन्होंने निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की बहुत सारी महिलाओं को तस्करी में उपयोग किया है। इसलिए डीजीपी से हमारी बातचीत हुई है, दुर्ग आईजी ने एक अलग से स्पेशल टीम बनाई है एडिशनल एसपी प्रज्ञा मेश्राम के नेतृत्व में। बुलेटिन में पहले कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। देश दुनिया की हर खबर के अपडेट के लिए आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं फॉलो। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल @SwarajExpressSMBC। हमारे ट्विटर अकाउंट को भी कर सकते हैं फॉलो @SwarajExpressSMBC। हमारे फेसबुक पेज को करें लाइक @SwarajExpressSMBC। ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस SMBC।